शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते जेडीयू नेता, शराब की बोतलों के साथ दो जेडीयू नेता गिरफ्तार। जेडीयू के स्थानीय नेता की स्कॉर्पियो से मिली शराब की बोतलें, यूपी से स्कॉर्पियो में रखकर ला रहे थे शराब। एक तरफ सुशासन बाबू शराबबंदी पर कई तरह की योजना चला रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर जेडीयू के नेता हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सीवान में खुलेआम शराब की 4-5 बोतलों के साथ जेडीयू के दो स्थानीय नेताओं को पुलिस ने स्कॉर्पियो के साथ शहर के छपरा रोड स्थित बबनिया रोड के नजदीक घर दबोचा। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी पर जेडीयू का झंडा लगा था, पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने 7 शराबियों को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया 7 शराबियों को नशे की हालत में हुए गिरफ्तार। यूपी से आ रहे थे शराब के नशे में। सीवान उत्पाद विभाग ने लगातार शराबियों को पकड़ने में कामयाबी दिखाई है। पुलिस ने 7 लोगों को शराब के नशे में पकड़ा। चेकिंग के दौरान बिहार यूपी सीमावर्ती क्षेत्र के पास नौतन थाना के शाहपुर से सभी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये सभी शराब के नशे में यूपी से बिहार आ रहे थे। तभी उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान उन्हें धर दबोचा। उत्पाद विभाग सिवान के द्वारा प्रतिदिन छापामारी के बॉर्डर क्षेत्रों में किया जाता है। कल भी सिवान जिला के मैरवा थाना अंतर्गत एवं नौतन थाना अंतर्गत बॉर्डर क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर आने जाने वाले लोगों को चेक किया गया, जिसके मध्य अंतर्गत 7 लोगों को शराब पीकर आने के नशा की हालत में पकड़ा गया है। तो ये आलम है बिहार में शराबबंदी का, न कानून का खौफ न सरकार का। बेधड़क लोग शराब पीकर आते हैं और तो और शराब लेकर भी बिहार की सीमा में घुसते हैं। गुना के लिए सीवान से विजय राज की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।